चीज का बना सकते हैं? आइदर हमारे पास कोई लीव्स है या कोई फ्लावर्स है या सीड्स है, या हम कॉन्कॉक्शन बना सकते हैं जिसमें हमारी जितनी तरह की जड़ें आती है उसका हम कॉन्कॉक्शन बनाते हैं, सीड्स को भी जनरली हम कॉन्कॉक्शन बनाते हैं, और इवन काफी चीजों की हमारे जो स्टेम पे छाल होती है उसके भी कॉन्कॉक्शन, जैसे सबने सुना होगा अर्जुन की छाल, दैट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। बट अभी हम उन चीजों की उतनी डिटेल नहीं करेंगे, हम वो चीज डिस्कस करेंगे जो हमारी डे टू डे की जिंदगी में हम देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं है उसको कैसे इस्तेमाल करें। सॉरी, आई थिंक अभी गर्मी का मौसम है और सबके घरों में जैस्मिन या मोगरे सबके घर में लगे हुए हैं, व्हाइट कलर के बड़े सुंदर से फूल होते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, वहां से अगर हम क्रॉस कर ले तो उसकी तरफ देखे बिना हम रह नहीं सकते। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट टी, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, दैट वी विल स्टार्ट। ये मेरा टी इन्फ्यूजर है, इसमें एक कवर है, इसके अंदर एक लिड है जिसमें होल्स बने हुए हैं एंड देयर इज अ जग। सो आई व्हाट आई डू, सुचेता इसके बिना भी बना सकते हैं? या दैट आई विल ऑल्सो शो। इन्फ्यूजर होना जरूरी नहीं है बट स्टिल दे लुक नाइस एंड एलिगेंट, सो दैट्स व्हाई। दीज आर लाइक मोग्रास, आई हैव जस्ट प्लक्ड एंड थोड़ा वेट करके रखा है बिकॉज इनको दे आर रियली वेरी क्विक, दे जस्ट फिनिश। सो यू नीड टू वॉश देम आल्सो, राइट? या आई हैव वॉश्ड, सो आई जस्ट पुट 5-6 फ्लावर्स, दैट्स ऑल। For one cup, Sucheta? For one cup. And then I have boiled water here. And I'll do just pour water. So this should dip. The flour should be under. And then I'll cover this. Because otherwise the whole fragrance will go out. So in this way, this will steep and all the fragrance. सुबह में हम दूध वाली चाय पीते हैं, अगर हम इस चाय को पिए तो क्या हमें इतना अच्छा तो aroma, tasty, it is so delicious and it is so healthy. You can't believe. So health part we will discuss later because then I will talk about point wise what benefits in which we will get. I have to keep for 5 minutes let's say, and then in the meantime it will be ready. So the next tea, I will prepare everything and then we will wait. By the time I'll finish my last, so this will be ready. So the second one, we will start mint. Mint सबके बगीचे में, सबके garden में, चाहे वो छोटा ही garden हो, लेकिन वो चाहे मिट्टी के pot में ही आप डाल करके रखो, mint हर आदमी अपने घर का रखता है। So I have kept this fresh in water, and this is one tip I will tell you. When you take out your leaves, just leave 2-3 leaves here and put in water bottle or glass or something and just put at a part in the kitchen only. You know that niche mein jade aa jati hai. Your voice is breaking. Acha, meri? Haan.
नहीं, इसमें जब हम किचन में रखते हैं तो इसमें से नई लीव शुरू हो जाती है आनी, सो यू कैन यूज दोज लीव्स, बार बार उनको यूज कर सकते हो. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल टिप. सो व्हाट आई डू, आई विल पुट सम लीव्स स्मॉल स्मॉल तोड़ के. एंड जनरली इन चीजों में हम चाकू नहीं लगाते, वी जस्ट ब्रेक. इवन सैलड लीव्स वगैरह हम हाथ से ही ब्रेक करते. So that fragrance also we get. So around 7-8 leaves we can just put. I'll add some hot water. And then I'll cover it. So my second jar is ready. Then I'll make. आपने अपराजिता का नाम सुना है? अपराजिता ये ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं एंड दे आर वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ एंड मेमोरी. दैट इज ये बेल होती है एंड इफ यू सी दे आर लाइक शंख पुष्पी भी बोलते हैं इसको. आई होप एवरीबॉडी कैन सी. सो आई प्रिपेयर from this. So there is also one inside. ये पुराने जमाने में भी ये बहुत काम आते थे और जब मिठाइयों में कलर डालना होता था ब्लू कलर देन दे यूज टू यूज दीज फ्लावर्स ओनली. I'll again cover it just to remain. मैं सुचिता, अगर किसी के पास ये डिफ्यूजर ना हो तो नीचे लीव्स डाल के एंड देन वी कैन पुट वाटर ऑन इट, राइट? या, सो आई पुट, आई कैन यूज दिस ग्लास फॉर दैट और आई कैन इवन यूज फॉर दिस कप. सो आई कैन जस्ट यूज दीज एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज नाउ रोजेस. So let's see. देसी गुलाब. देसी गुलाब. देसी गुलाब में अच्छी बात यह होती है कि उसमें फ्रेग्रेंस होती है. यू कैन यूज अदर ऑल्सो बट देसी गुलाब में अपनी एक खुशबू देसी गुलाब में होती है. बाकी इंग्लिश गुलाब में बहुत कम खुशबू होती है. नाउ आई कैन कवर विद. इनको अगर ड्राई करे हुए रोजेस हो तो उसका भी बना सकते हैं. या दैट वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि अगर जैसे सीजन नहीं होता है, जैसे अभी एक एक चाय मैं बनाऊंगी वो हमारे सूखे फूल की ही बनाऊंगी. लाइक हर श्रृंगार सबने सुना होगा, जब जब ये मौसम होता है बारिश के टाइम का, बारिश के जस्ट बाद ये शुरू होते हैं. And everybody, if you cross from the streets, की गाड़ियों पे अच्छे खासे white flower होता है, orange इसकी डंडी होती है. And people used to use these flowers as chandan. लेकिन they are very good flowers for health as well as chandan. And even इसको हम Indian केसर बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा केसर का काम करता है. हम इसको खीर में use कर सकते हैं, हम इसको शिकंजी में use कर सकते हैं. और हम ऐसे चाय के लिए तो बहुत ही अच्छा है. लेकिन इसके लीव भी अगर बॉइल करके आप इसका इन्फ्यूजन पीते हो तो आपके जो हड्डियों में या जोड़ में दर्द होता है दैट आल्सो हेल्प्स इन दैट. सो आई हैव ड्राइड दिस फ्लावर्स.
हर श्रृंगार के पत्ते भी कर सकते हैं यूज? हाँ जी, हर श्रृंगार के पत्ते हल्के से बिटर होते हैं, बट यू कैन यूज इट इफ यू आर लाइक ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है तो. एंड दीज वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, दीज आर मोर प्रिकॉशन. लाइक अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वी कांट अवॉइड, सो वी हैव टू शो द डॉक्टर ऑफकोर्स, बट टूगेदर वी कैन टेक दिस. सो दिस कैन बी अ रेमेडी बट इट हेल्प्स. सो लाइक हाफ टी स्पून आई एम पुटिंग इन दिस. ये फ्लावर्स और डंडी दोनों है ड्राई करें? या टुगेदर, ये दोनों साथ में ही किया हुआ है. आप जैसे ही डालते हैं दे स्टार्ट गिविंग द कलर एंड खुशबू इतनी अच्छी होती है. एंड हाउ डू यू ड्राई देम सुचिता? यू वन शुड ड्राई नॉट इन सन. One can dry in कोई पतला कपड़ा, मलमल का अगर कपड़ा हो उस पर बिछा लीजिए और फ्लावर को आपने जैसे सवेरे चुना, बिकॉज जनरली आप उनको तोड़ नहीं सकते, वो आपको नीचे गिरे हुए ही मिलेंगे. वॉट यू कैन डू, अगर आपके आंगन में है या कहीं है, आप रात में एक कपड़ा बिछा दीजिए, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल डॉन वाला जो समय होता है उस समय ये गिरते हैं. तो उस समय अगर आपने कोई बिछा रखा है कपड़ा, सो दे विल फॉल नीचे, उसके ऊपर गिरेंगे, तो आप उसको उठा लीजिए, देन जस्ट वॉश. आप अपने छलने में अच्छे से वॉश कर लिया एंड देन ड्राई इन शेड नॉट इन सन, बिकॉज सन में इसका सारा फ्रेग्रेंस भी चला जाएगा और इसके कलर भी चले जाते हैं. सो एवरीथिंग व्हाटएवर हर्ब्स वी ड्राई दैट इज इन शेड, प्रॉपरली वॉश करके और पतले कपड़े के ऊपर एक पतला कपड़ा हम ऊपर डाल देते हैं ताकि उसमें किसी भी तरह की डस्ट नहीं है. नाउ वन आई कैन ऐड मोर, सब जनरली करी पत्ता, सबके घरों में करी पत्ते मिलेंगे एंड करी पत्ता इट इज नॉट ओनली फॉर सांबर, इट इज मिरेकल प्लांट. So what we can do, I can just take out these leaves. I have one, this big one. Just I left there, so it will steep. Ab hamari chai almost ready hai. So what we can do? Ab inme iske infuser ka fayda ye hota hai, aapko chhanna nahi padta. Lekin agar aapne glass mein banayi hai, so there are this type of, aur bhi kai tarah ke aate hain. So what we can do? We can just put it here and then आपने छान लिया. जब चाय छन गई, मैं generally prefer करती हूँ just this infusion. I don't add any lemon or any honey or honey. Generally मैं नहीं add करती. I like as it is. So you get the actual aroma and actual taste. But if people are fond of कि भी थोड़ी इसमें don't add sugar in it. But just you can add either little gur or little honey. So that exactly you can do. So now I'll take out all the teas. I think Suchita, show one by one so we can see all the colors in it. Okay. So this is mint. I'll start with mint.
Savita ji, your tea is ready. Lovely. You can enjoy. Yeah, we can see the color also. It's green. Yeah. Color. It's very light. Can you keep it on the mat? On the white mat? On the tablecloth? So we can see the color nicely. Yeah, that's better. If you want, you can just add a small slice of lemon, but it's your choice. I can add. And if we need some honey, of course, I can add some honey or lemon juice or anything. It's your choice how you want. But generally, it's always better if you drink as it is, then actual flavor. And it is so good that if agar koi halka phulka headache bhi ho raha hai na, finish. Because this is so good. This hydrates you, as well as there are so much benefits that we will talk about, of course. Now, the next is, kaun si hai dish kare? Harshringar. Parajita? Harshringar. Harshringar. Oh. We call parijat also. See? Kesar se kam hai kya? Nahi. Very nice. Very. Lovely color. Very nice. Very similar, but little more darker here. Yeah. Like kesar color. Yeah. So in this way, if you want to add and keep, what you have to do, just put some warm water and then flowers. Aap chhod do usko 3-4 ghante ke liye. And then jab aapne kheer bana li, uske baad isko add kar do. So it is, you can't even khushbu se, taste se, aur color se. Nobody, I challenge, nobody can say ki isme kesar nahi dala aapne. Plus the health benefit. Yes. Yeah. So, these are two. Now, we talk about rose. Mm. So here, I have put only in glass. So definitely, I have to use this. Can we reheat it, Suchita, if they get cold in the microwave? I think no microwave. I don't suggest microwave at all. Maine to apna utha ke fek diya. Lekin ha, aap agar ekdam hi acha rahega na heat karo. Warm, agar halka warm bhi hai, to usko waise hi enjoy karo. But of course, agar koi choice nahi hai, to you can. Even कभी कभी कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप बॉइल भी कर सकते हो, जैसे पुदीना है. नॉट नेसेसरी कि आप पुदीने को सिर्फ स्टीप कर रहे हो, आप उसको बॉइल भी कर सकते हो. लेकिन जो इसका फ्लेवर आएगा ये माइल्ड आएगा, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आता है. जब आप किसी भी चीज को बॉइल कर लेते हो तो उसका टेस्ट थोड़ा सा हार्श हो जाता है. आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी माइल्ड पिंक. Keep it on the tablecloth. We can see the color then. Yeah. No, we can hardly see the color. Then this blue color. This is Aparajita. Wow. And then jasmine. This is my favorite all time. Wow. I know that. Yeah, please come. I'm really missing. And please don't add anything in jasmine because that's spoiled. There will be no color, but the fragrance aroma will be fantastic. So in this way, if you are, like if you see this tea, you will be so tempting.
नाउ अब गरम चाय तो पीने ही, अब हम लोग ये भी बात करेंगे कि हम किस किस चीज की बना सकते हैं, बिकॉज हमारे गार्डन में तो हम बहुत सारी चीजें डालते लगाते हैं. तो हमने आज बनाया मोगरे की, मिंट की बनाई, रोज की बनाई, अपराजिता की बनाई, अब श्रृंगार की बनाई, और किस चीज की बनाई, कड़ी पत्ता, करी पत्ता की. यस, सो पहले मैंने डिसाइड किया था मैरी गोल्ड की, बट फाइनली मैंने चेंज कर दिया. मैरी गोल्ड की चाय इट्स एक्सीलेंट. इवन मैरी गोल्ड की चाय जो है वो आप रैशेस कई बार गर्मी में हो जाते हैं, यू कैन यूज दैट चाय फॉर क्योरिंग दोज रैशेस ऑल्सो. इवन बच्चों को डायपर रैशेस हो जाते हैं, यू कैन क्लीन विद दिस टी. एंड जैसे कई बार पैर में देखते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, पैर गले गले से हो जाते हैं, एंड फिंगर्स के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं. So prepare this tea and just dip your foot in that kam se kam 15-20 minute ke liye. So this will do miracle. They are really helpful because agar aap homeopathy mein jaoge to calendula drug ke naam se ek drug, ek dawa. So calendula and marigold, inke characters lagbhag same hai. But still what we can do, हम बना सकते हैं. जैसे आई ऑल्सो ग्रो अश्वगंधा. इफ यू सी दिस, दिस इज अश्वगंधा. जनरली अश्वगंधा की हम जड़े लेते हैं, बट हम पत्तों की भी चाय बना सकते हैं. नाउ दिस इज फ्रूटिंग वेरी नाइसली. सी लवली लुकिंग प्लांट. So we can use tea out of this also. But इनको हल्का सा concoction. Concoction and infusion में फर्क ये है. Concoction means आप उबाल के, जैसे आप एक गिलास पानी को half करते हो या 3/4 करते हो. और जब हम infusion की बात करते हैं तो हम उनको चूल्हे पर नहीं चढ़ाते, then boiled पानी हम उसमें डालते हैं, that is infusion. अश्वगंधा के फ्रूट्स भी इसमें जो आ रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, फ्लावर डाल सकते हैं. ओके, इस फ्लावर को सब जानते हैं, हिबिस्कस, जवाकुसुम भी बोलते हैं इसको. ये शायद हमारी दादी नानी, दादी नानी सारे जने बालों में यूज करते, बालों पे तेल बना करके यूज करते थे. दिस फ्लावर इज जैसे इसको पीरियड्स में क्रैम्प्स बहुत आते हैं ना, उसमें भी ये बहुत अच्छी, बहुत फायदा करती है. एंड दिस आपके चेहरे की ग्लो, एज को कम करना, ये सारा काम करती है. एवरी लेडी विल ऑफ कोर्स लव दिस फ्लावर. और इसमें भी जैसे ये है, जैसे फ्रॉक स्टाइल का जिसको लेयरिंग वाला बोलते हैं, इसमें देसी स्टाइल होता है, देसी वाला फ्लावर जिसमें लंबी सी वो निकली होती है, और वो फ्लावर जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. तो वो फ्लावर को अगर आपको वो मिले, बिकॉज अभी मेरे पास वो ब्लूम नहीं हो रहा था, ये ब्लूम था इसलिए आई टुक दिस. देन व्हाट इज दैट, दिस गिलोर. आज के समय ये COVID-19 में I think everybody is talking about Giloy. I will let you know, I will tell you at the end, मैं एक अच्छा नुस्खा बताऊंगी आप लोगों को, जो आप लोग इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, that is very good चाय, या उसको आप काढ़ा बोल सकते हो या चाय बोल सकते हो. Everybody should drink. आप believe नहीं करोगे कि उससे कितनी आपको energy मिलेगी. That is very really healthy. So that I will let you know. इसको यूज जब करते हैं हम, तो इसको क्या करते हैं, हम क्रश कर लेते हैं. Must have this type of उखल मुसली सबके मिलते ही हैं घर में जनरली, नहीं तो फिर सिलबट पे कर लो, नॉट इन मिक्सी. बट देसी चीजें, देसी दवाइयां देसी तरीके से करो तो ज्यादा अच्छा होता है. सो यू कैन जस्ट क्रश दिस स्मॉल 2-3 inches पीस, क्रश दिस. And then you can boil. You have to boil this because अगर इसको आप steep करोगे तो इसमें fragrance भी नहीं आएगा और इसका
असर नहीं निकलेगा इसमें से, इसका असर आएगा नहीं. सो वी हैव टू बॉइल दिस. देन आई हैव दिस इज माई लेमन ग्रास विच आई कैन ड्राई ऑल्सो. आई लेट यू नो, इसका छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लो और वैसे ही वॉश करके. जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा देर पानी में नहीं छोड़ते इसको, बिकॉज जितना आप इसको पानी में डाल डाल के रखोगे उसका अरोमा निकलता जाएगा. तो जस्ट वॉश इट वंस प्रॉपरली एंड देन कट इन स्मॉल स्मॉल पीसेस. और कोई भी प्लेन शीट, कोई जरूरी नहीं है मलमल का कपड़ा ना हो, कोई पुरानी अच्छी धुली हुई चादर है उस पर डाल, तो ये ड्राई हो जाएगा. एंड देन ड्राई करके ये बन जाता है आपका लिटिल लेस ग्रीन, बट ये सब टुकड़े काट करके मैंने बना रखे हैं. एंड यू जस्ट प्रिजर्व इन ग्लास बॉटल्स. इसमें जो पत्ते कई बार सूख जाते हैं, वी कैन ड्राई फर्दर ड्राई देम. हाँ, उसमें थोड़ी फ्रेग्रेंस कम होती है, मतलब जो अपने आप पौधों में सूख जाते हैं उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, बट यू कैन यूज इट. जैसे डे टू डे में भी, एक शायद इसके ऊपर अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई है, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ बिकॉज मैं देख नहीं पाई थी. उसमें दिखाते हैं कि उसने एक लेमन ग्रास का पॉट रखा हुआ है. सो आई गेट टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन द पार्क. सो दे वर सेइंग कि भाई लेमन ग्रास है क्या, दे नो कि मेरे पास प्लांट्स होते हैं. तो उसमें वो कहती है जब उसको चाय बनानी होती है तो शी कट फ्रॉम दैट एंड देन वो चाय बनाती है. So she was so fond of lemon grass in the tea. I know it's a very good flavor agar aap actually peete ho. Then these are tejpatta. Ye bhi hai mere paas tejpatte ka paudha. And after jo aapko market mein milta hai, they dry, aap inko bhi use kar sakte. Aap inko bhi use kar sakte. Iska flavor mild hoga, ye flavor strong hoga. इसको आप गरम मसाले में डाल के खाते हो, बट इसकी चाय मिरेकल होती है. एंड देन आई हैव इलायची का प्लांट. दिस टाइम आई गॉट वेरी नाइस फ्लावर्स ब्लूम्स, वेरी नाइस, रियली देख के ऐसा लगता था ऑर्किड्स है. सो दीज आर इलायची के पत्ते. यू कैन यूज इन एवरी डे. मतलब जो भी मैं ये बता रही हूं ना, स्टार्ट यूजिंग एवरी डे. एक आज पिया, करीब दो तीन दिन लगातार एक चीज की पियो, देन चेंज, देन कुछ और चीज की. सो आपको लगेगा कि आप दूध वाली चाय को बिल्कुल भूल जाओगे, वो अच्छी नहीं लगने लगेगी आपको. सो दिस वॉज दिस. देन एक बहुत बहुत अच्छी हर्ब्स होती है सेज, इसको हम काफी तरह से यूज कर सकते हैं. इवन मैं तो डेजर्ट में भी यूज करती हूँ, बट आई लव द टी. बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है और बहुत हेल्दी है. मैं हेल्थ बेनिफिट्स आप लोग को बिल्कुल बताऊंगी इसके. सो दिस इज सेज. हाउ अबाउट ब्रह्मी? या आई हैव ब्रह्मी आल्सो. देन तुलसी, दैट एवरीबॉडी नोस, श्याम तुलसी, राम तुलसी. बेनिफिट सेम है, सिमिलर है, बट राम तुलसी थोड़ी सी माइल्ड होती है और श्याम तुलसी थोड़ी सी तीखी होती है. सो दैट डिपेंड्स, जिसको जो टेस्ट अच्छा लगे. ऐसा नहीं है कि मेरे पास राम तुलसी है, श्याम नहीं है, तो मेरे को लाने जाना पड़ेगा. नो, वन कैन यूज. इवन इसके सीड पॉट निकल जाते हैं. तो इसमें एक चीज बताऊंगी, जिनके भी घर में तुलसी लगी हुई है, सीड पॉट को तभी रखो जब आपको सीड्स चाहिए, अदरवाइज कट फ्रॉम दिस. So, इनकी लाइफ बढ़ जाती है. जैसे ही इसके ऊपर आप छोड़ देते हो तो ये बेचारे पौधे बूढ़े होने लग जाते हैं. सो व्हेनेवर मंजरी निकाल देनी चाहिए. मंजरी हमेशा, अगर कच्ची हालत में है तो आप कट करो एंड यूज इन योर टी. सो व्हाई टू वेस्ट. बट अगर सीड्स बनाने हैं देन एक प्लांट के ऊपर आप छोड़ दो, उसके सीड्स निकल आएंगे, आप ग्रो कर सकते. Then I will show you very special flower. I think everybody can see. Kalavar.
sadabahar. They are very good in diabetes and as well as cancer. Eat this flower like this, and flower pura aap kha sakte ho, ek ya do. Not much. Ek ya do flower aap kha sakte ho aram se. This sugar level ko ye theek rakhta hai. And even jinko diabetes ho, they can take this green leaves also. So I was asking the other day, Sangeeta ko iske microgreens bhi ugana shuru kar de. You can borrow seeds from me also. ये हमारी ब्राह्मी है. ब्राह्मी इज वेरी स्पेशल, वेरी गुड फॉर योर मेमोरी एंड एज वेल एज इम्यून सिस्टम. ये थोड़ी बिटर होती है खाने में. जनरली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप सैंडविचेस में डाल के खा लो, तो सैंडविचेस में पूरी स्ट्रिंग ही ऐसे डाल करके खा लेते हैं. बट यू कैन हैव टी, एंड इफ यू डोंट लाइक द फ्लेवर यू कैन जस्ट एड अ लिटिल हनी. सो फिर वो थोड़ा माइंड डाउन हो जाता है. अच्छा, अब हमने चाय बना ली. अब चाय तो बन गई. अब आज गर्म चाय पीने का मूड नहीं है, तो क्या करें? अब मैं बताती हूँ इनको हम करते कैसे. आई थॉट आज हम सीखेंगे हम आइस टी कैसे बनाए. दूसरी भी ला दो. सो नाउ दिस वॉज मिंट. तूने क्या डाला है? मैंने क्या किया है कि इसमें बॉइल करके एंड देन उसमें थोड़ी सी लीव्स डाली है एंड मैंने इसके आइस के क्यूब्स जमा लिए हैं. किसकी लीव्स डाली है? मिंट की लीव्स डाली और मिंट्स का ही कॉन्कॉक्शन बनाया है और फिर इसको आइस क्यूब्स बना दिया है. सो नाउ आई विल ऐड चम्मच. दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग सो आई कैन जस्ट ऐड सम वाटर. सो देर इज कलर कैसे चेंज हो गया? किस चीज का? मिंट का. इट्स नॉट ग्रीन आई थिंक सो. इट्स ग्रीन. अच्छा, maybe मुझे थोड़ा डार्कर शेड लग रहा है. No, because it's concoction. Okay, just because of that. Infusion. Fine. So infusion will be always lighter. आप जब आइस जमाओगे तो उसमें प्लेन पानी डालोगे. So you have to make little thicker. So this is out of concoction and there is green leaves also. So if you don't put the ice cubes, we do without the concoction. तो उसका वैसे भी बना सकते हैं हम ठंडा ड्रिंक जो है. संगीता, फ्लेवर में फर्क आएगा. Yeah. So what I can do? I can just अब ये मैंने क्या किया है? ये ग्लास को सेट किया है with lemon, little sugar, little salt. इस पे उसको कैसे करते हैं? एवरीबडी मस्ट बी नोइंग. थोड़ा प्लेट में थोड़ा नींबू का रस डाल के उसमें हल्का सॉल्ट एंड हल्का, सो यू कैन जस्ट घुमाओ दिस ग्लास एंड सो दिस विल कम लाइक दिस. तो जब आप ड्रिंक पीते हो तो हल्का सा सॉल्ट एंड शुगर का इसमें फ्लेवर आता है. सो दैट इज रियली नाइस. सो व्हाट वी कैन डू, रोज वाला देना.
The second one is rose. Wow, beautiful color. So there are leaves also, and there is I can just put some lemon here. You can add if you want to add something, but you can offer your drink. It's the same way I made this jasmine also. So you can make as they are. इसमें अगर किसी को लेमन जूस चाहिए तो आई कैन ऐड अ लिटिल लेमन जूस हनी चाहिए आई कैन ऐड हनी इट्स आवर विश सो दिस इज लाइक आई अच्छा नेक्स्ट हम कैलेंडुला आपके विंडर में आते हैं बट अभी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो आई कांट गेट कैलेंडुला गेंदा तो मिल जाते हैं मतलब मैरीगोल्ड बट ये नहीं मिलते तो व्हाट वी कैन डू आई कैन आई हैव जस्ट ट्राइड दिस कैलेंडुला और बॉटल शीशे की होनी चाहिए एयर टाइट जार्स में आप बंद करके रख सकते हो एंड यू कैन इसमें भी सेम फ्लेवर सेम कलर आएगा ऑफकोर्स Fresh is fresh always, but still you can use as you need. So I have made this calendula, even rose leaves. जैसे ठंडाई पीने का mood हो, तो I use these leaves always. So these are all desi. खुशबू पूरी होती है इसमें. Then I have dried hibiscus. Then of course harshringar. Harshringar even जैसे आप भगवान के मंदिर में चंदन भी बनाते हो ना तो इसके दो फ्लावर डाल लो सूखे हुए और चंदन पीसोगे तो वो बिल्कुल केसरिया चंदन बनेगा आपका एंड लेमन ग्रास तो इस तरीके से आप करी पत्ता को सुखा सकते हो आप जिसको भी मर्जी आए आप उसको ड्राई करके अच्छे से एयरटाइट जार रख लीजिए इवन पुदीना यू कैन ड्राई आपको रायता बनाना हो चाय बनाना हो या किसी भी चीज में आपको यूज करना हो यू कैन यूज सो यू कैन ड्राई योर एनी हर्ब्स अच्छा अब हम आते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स या आई थिंक मोस्टली वी यस यस Yeah. You can go ahead with the benefits now. Yeah. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिलोय की और एक एक जो मैं आप लोगों को सबको because of this COVID-19 what Your voice is cracking. जो अंदर की सर्दी वो खत्म हो जाता है एंड हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है तो एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कैन नोट डाउन इसमें मैंने क्या क्या डाला है गिलॉय डाला है 2 से 3 इंच का टुकड़ा इसमें ब्लैक पेपर डाले हैं जो काली मिर्च जिसको बोलते हैं 4 पीस काली मिर्च डाली है लौंग डाला है 4 पीस इलायची इफ यू सी दीज आर द थिंग्स
इलायची 2 पीस, फिर हल्दी, हल्दी जो ये कच्ची हल्दी होती है अगर है किसी के पास तो कच्ची हल्दी, अदरवाइज आप इसको पाउडर जो आप किचन में यूज करते हो यू कैन यूज एज अ पाउडर ऑल्सो। तो अगर कच्ची देनी है तो अबाउट 1.5 इंच के करीब का टुकड़ा, एंड अगर आपको पाउडर देना है ना 1/2 टीस्पून, देन दालचीनी 1 स्मॉल पीस 1 इंच टुकड़ा, जिंजर 1 इंच टुकड़ा, एंड थोड़ा सा गुड़ और तुलसी के पत्ते। आई होप एवरीबडी हैज नोटेड डाउन, हूएवर वांट्स ऑफ कोर्स। सो इनको सारी चीजों को अराउंड 1 ग्लास पानी में डाल के इनको अच्छे से पहले 15-20 मिनट पहले इसको नीचे ही धो के सब चीज को नीचे ही रहने दीजिए, इसको सोक होने दीजिए। उसके बाद हाफ एन आवर के बाद इनको थोड़ा बॉईल कर लीजिए, 2-3 बॉईल अच्छे से आ जाए, देन यू जस्ट अराउंड 3/4 हो जाए, उसके बाद इसको छान लीजिए। गुड़ आप बाद में देंगे, इफ यू वांट टू ऐड हनी यू कैन ऐड हनी उसमें करके, और गरम गरम ही पिएंगे, दैट इज रियली वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। Now we will talk about what are the benefits. जैसे मैंने sage tea बताई थी जो कि herbs है, sage tea is full of vitamin A, B and C. Even vitamin E की family भी उसमें मौजूद है, और vitamin K जो कि बहुत कम चीजों में मिलता है हमको, तो वो sage में हमें vitamin K भी मिलता है, copper, fiber, calcium, iron and magnesium. See what a plant is. अगर हम डेली थोड़ी सी चाय भी पीते हैं या हम इसको herbs को अपनी life में use करते हैं, cooking में use करते हैं, so this is very good. और generally इसको कैसे use करते हैं, या तो आप हल्की चाय बनाओ, otherwise you just cut the leaves and use in a salad. So you will get more benefits out of it. ये रिजुविनेट करती है। अगर 1 कप ऑफ टी अगर आपने पी लिया तो आपको आधे घंटे में ही आपको महसूस होगा कि आपकी जो टायर्डनेस थी वो थोड़ी कम हो गई है। फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम यूजिंग दीज थिंग्स इन माई एवरीडे लाइफ एंड आई फाइंड दैट गिव्स मी सो मच एनर्जी कि लोगों को मुझे कहना पड़ता है कि एनर्जी थोड़ा सा लेवल कम रखा कर। डू यू अग्री पूर्णिमा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फैक्ट है कि इफ यू यूज दीज नेचुरल थिंग्स, आप अगर नेचुरल लाइफ स्पेंड करते हो तो आपको डेफिनेटली फायदा होता है, नो डाउट अबाउट इट। सो एंड ओबेसिटी, किसी काफी मोटापे की प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त हो रही है तो उसमें ओबेसिटी इसकी कम करता है, हाई टॉक्सिसिटी कम करता है, डायबिटीज में हेल्प करता है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक है तो हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। बहुत सारी चीजें हैं, मीनोपॉज अगर कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है अपने हॉट फ्लैशेस और ये सब होते हैं उसमें फायदा करता है। सो दे आर फुल ऑफ बेनिफिट्स, सो दे आर रियली व्हाट शुड आई से। Then we come to hibiscus. Hibiscus, उसको जवा कुसुम बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये हमारी दुर्गा माँ को चढ़ता है। सो इट इज रियली बहुत होली फ्लावर माना जाता है और कहते हैं हर घर में ये फूल जरूर, और मुझे तो इतना पसंद है अगर ये देवी देवी पे भी चढ़ा होता है तो बस सुबह से शाम तक चढ़ा, शाम को वो थोड़ा डाउन हो जाता है। आई नेवर थ्रो दिस फ्लावर, I always keep this flower and या तो मैं उसकी चाय पी लूंगी या इसको करके मैं इसकी आइस बना देती हूँ या इसको फ्रीजर में डिफ्रीज कर देती हूँ। I try not to throw this जवा कुसुम। And हम इसका तेल भी बना सकते हैं, that we will discuss some other time. This is very good for your hair, rich in vitamin C,
क्योर माइनर कोल्ड, अगर हल्की फुल्की सर्दी जुकाम लगा है तो वी कैन हैव टी ऑफ इट, एंड सोर थ्रोट है, कफ है, हेडेक हो रहा है, दिस इज एंटी ऑक्सीडेंट, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, एंड जो टफ हार्मोनल पीरियड होता है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन दैट. हॉट हॉट जो फ्लैशेस चलते हैं उसको सूट करता है. बेनिफिट सिमिलर, ये लोग कहते हैं कि इसमें जो रेड वाइन के बेनिफिट होते हैं वो बेनिफिट हमें हिबिस्कस से मिलते हैं. देन वी कम टू मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज अ होम्योपैथ ड्रग, दैट इज वेरी गुड. मतलब मेरे को याद है जब मेरे बचपन में जब हम लोगों के कभी कान में दर्द होता था तो आई रिमेम्बर ये जो इसके मैरीगोल्ड के पत्ते होते हैं ग्रीन वाले, उसको थोड़ा सा उसको कपड़े में डाल के और उसका रस निकाल के कान में डाल दिया जाता था. एंड 10 मिनट्स, बिलीव मी 10-15 मिनट्स में वो दर्द गायब हो जाता. दैट वाज रियली, मतलब उस समय समझ नहीं आता था. इवन हिबिस्कस इफ आई से, जैसे पीरियड्स में कई बार बहुत दर्द होता था तो मम्मी हमें 5 फ्लास उसकी जो बंद होती है ये हिबिस्कस की, वो मतलब जो छिलके के अंदर बंद होती है उसको ग्रीन वाला हिस्सा निकाल करके, एंड देन शी यूज्ड टू गिव अस कि ये चबा के खा लो, एंड दैट वाज रियली हेल्पिंग. लाइक कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, आपके पेन में फायदा होता है. तो जो चीजें बचपन से खाई थी वो कहीं ना कहीं जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हमने नेचर का साथ ही छोड़ दिया. हम ज्यादा मेडिकेशन पे चले गए, ज्यादा चीजों को हम नेचर को अवॉइड करने लगे. ये बिलीव मी, ये 2 महीने जो मिले हमें वो नेचर को इतनी क्लोजली देखा है, इतना महसूस किया है. आई रिमेम्बर जब हम इकेबाना करने के लिए हम लोग हर थर्सडे को क्लास करने जाते थे श्यामा जी के यहाँ, संगीता इज नोइंग हर, तो ऑलवेज वो शी इज इन वसंत विहार, तो उनके घर के पहले एक शॉप आती थी फ्लोरिस्ट की, हम वहां से खरीदते थे और फिर शॉप काम करने पहुंचते थे क्लास अटेंड करने. सो टुडे इटसेल्फ वी वर टॉकिंग, मैं अपने ग्रुप पे बात कर रही थी कि यार नेचर को देखो, जब हमें लॉकडाउन में डाला है तो हमें इतना सारा मटीरियल मिल रहा है, एंड I really don't miss a single day. मैंने अपनी छत पे ही से ही लेकर के सारे, कम से कम अगर 2 महीने में 60 दिन हुए हैं तो मैंने 60 अरेंजमेंट तो जरूर बना. Yes, you're putting one every day. फिर क्या होता है? So जब क्या होता है कि जब आपके रास्ते बंद होते हैं तो आप जिस जगह रहते हो आप वहां से रास्ते ढूंढने शुरू करते हो, लेकिन जब हमारे लिए रास्ते खुले थे तो वी वर रियली, मतलब 400-500 रुपए के रोज फ्लावर खरीदती थी मैं, एंड नाउ आई एम बिलीविंग नो इट्स नॉट नीडेड. वी हैव टू थिंक आवरसेल्फ कि हमें अपनी पॉकेट से, अपनी जहां पे है हम उनमें से क्या चीजें हम ढूंढ सकते हैं जो कि हमें बेनिफिट कर सकता है. सो मैरीगोल्ड इट्स रियली बेनिफिशियल फ्लावर, एंड ये विंटर में ज्यादा होते हैं, साइजेस बड़े होते हैं काफी, लेकिन अगर हमें देसी फ्लावर अभी भी हो रहे हैं, यू कैन सी दीज आर वेरी गुड फॉर योर टी. अच्छा फ्लेवर आता है, लाइट, वेरी लाइट कलर, बट फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी होती है. दिस इज ऑल्सो हाई इन विटामिन सी, वेरी पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट. हम एंटी ऑक्सीडेंट के लिए हम ग्रीन टी पीते हैं. ट्राई दीज टीज, You will forget everything. वो तो bitter लगती है और ये इतनी अच्छी लगती है और अपने को फायदा भी करती है. We don't know कि हमारे green tea में वो actually डाल क्या रहे हैं, वो हमें कचरा तो नहीं पिला रहे. I am not saying कि आप लोग वो मत करिए, but try these. So you will find the difference आप अपने में और अपनी चीजों में, तो आपको खुद को फर्क महसूस होगा. So, like if we talk about mint, yeah,
मिंट में कहते हैं कि कैसी भी गैस बनती हो, कई लोगों को जब खाना खा लेते हैं सो दे फील हेवीनेस इन देयर स्टमक, सो उसके लिए बेस्ट उपाय है यू जस्ट मेक खाना खा लो, खाने के साथ में जनरली पीपल डोंट ड्रिंक वाटर, वन शुड नॉट, बट हाफ एन आवर के बाद आप मिंट की हल्की चाय पी लो, जस्ट सी कि आपका दर्द कहाँ भागता है, या आपको जो अफारा हो रहा था या हैवी हैवीनेस लग रही थी वो आपका बिल्कुल डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प होगा, बट मतलब विथ माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, सो दैट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन, रिच इन विटामिन ए विटामिन सी, कई लोगों को जैसे इवन नौजिया की शिकायत होती है, सुबह उठते हैं तो जी घबराता रहता है, तो वन कैन हैव दिस पुदीन हरा, सो दिस इज गुड इन पुदीन हरा, तो पुदीन हरा का आपका वो उसमें से निकाला हुआ जूस है, बट हियर यू कैन टेक योर फ्रेश मिंट एज अ टी, सो व्हाई नॉट, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन और कोई तरह की कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट वन शुड ट्राई अ लिटिल, बिकॉज एवरी बॉडी एवरी पर्सन इज डिफरेंट, कई लोगों को आप सुनोगे मशरूम आपका रिएक्शन कर जाता है, कई लोगों को मूली रिएक्शन कर जाती है, कई लोग आई नो सम पीपल दे कांट ईट गोभी, व्हेन दे ईट गोभी की सब्जी उनको गैस बनने लग जाती है, सो दैट ऑल यू हैव टू अजमाओ योरसेल्फ, स्पेशली लाइक इफ यू टेक विंका जो कि डायबिटीज की दवा भी है, बट स्टिल यू शुड ट्राई अ लिटिल to avoid any major problems. So I hope everything is clear. So my session is almost over. If somebody... How about lemongrass? Yeah, lemongrass, okay. I mean, and even kari patta. Okay. Kari patta to bahut acche hain, jo ki jodon ke liye bahut fayda karta hai. Apne baalon ke liye bahut acche hain. Even when you wash your hair, जस्ट उसका आप कॉन्कॉक्शन बना के रख लो, एंड आफ्टर वॉशिंग योर हेयर आपने शैम्पू करना है शैम्पू किया जो भी लगाना है लगा लिया, देन लास्ट रिंस डू विथ करी पत्ता का चाय से एंड बॉइल इट, कॉन्कॉक्शन बनाओ उसका एंड उससे आप हेयर वॉश करके देखो, द शाइन एंड द ग्लेज विल बी वेरी गुड, ग्रोथ विल बी मच बेटर. हमारे यहाँ करी पत्ता हर चीज में नहीं खाया जाता. If you see South people, see the hair quality of them. So they eat two major things. Moringa, jisko hum sehjan ki phali bolte hain, eat moringa as much as you can. Usko hum phali pe hum sirf sambar mein use karte hain. But make vegetable out of it. Or make tea out of it. Make soup out of it. आप हल्का आलू और ये मोरिंगा को मिला के बना के सूप पी करके देखो, मजा आ जाता है. इवन उसके पत्तों की आप चटनी बना सकते हो, आप उसकी रोटियां बना सकते हो, आप उसके पत्तों को जैसे आप पालक की रोटी बनाते हो आप मोरिंगा के पत्तों की रोटी बना सकते हो. इवन करी पत्ता यू कैन यूज एज अ चाय, इवन दाल में हमें बहुत पसंद है लेकिन हम चॉप लगाते हैं, बट कट चॉप अ लिटिल और उसको बारीक बारीक जैसे धनिये के जैसे यूज करके देखो. सो कई बार होता है मुंह में आता है तो वो कड़ा कड़ा लगता है, बट टेक सॉफ्टर वंस एंड यूज इट एज धनिया, दैट इज वेरी बेनिफिशियल, वेरी गुड फॉर योर बोन्स, लॉट्स ऑफ आयरन इन इट, लॉट्स ऑफ फॉलिक एसिड इज इन इट करी पत्ता में, इट इज वेरी गुड, एंड सेम इन मोरिंगा. That is super food nowadays. People don't call moringa. Everybody calls it's a super food. So हमें होता क्या है, हमारी सब चीजें हमने तो बचपन से खाया है moringa, सहजन की सब्जी, लेकिन हमें पता कब चलता है जब हमें अमेरिका वाले बताते हैं या इंग्लैंड वाले बताते हैं, तब हम वापस शुरू हो जाते हैं. जैसे जैसे इफ यू से फ्लेक्स सीड्स, मतलब बचपन से सुनती आई थी कि अलसी होती है अलसी होती है, तो समझ ही नहीं आती थी कि अलसी क्या होती है, फ्लेक्सीड समझ में आता था जब हम बड़े हुए तो फ्लेक्सीड सुनते हैं,
तो हमें लगता हाँ ये तो जरूर खाना चाहिए बट चिया सीड्स आल्सो एक्चुअली मतलब वी डोंट बिलीव कि हमारी सब चीज हल्दी बाकी लोगों ने अपना नाम छपवा लिया सब कुछ कर लिया और हमारी हल्दी हमें बेच रहे हो तो मतलब लाइक टर्मरिक कॉफी दे आर मेकिंग एंड वी आर नॉट टेकिंग अब तो आई थिंक काफी लोग सजग हो गए हैं पीपल आर टेकिंग पीपल आर यूजिंग इवन जो सब्जा के सीड्स होते हैं जो तुलसी के एक्चुअली तुलसी के सीड्स होते हैं वो सो पीपल यूज एज अ क्या बोलते हैं उसको कुल्फी में फालूदा की तरह से सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्थ बेनिफिट अच्छा पेरीविंकल आई वॉज टॉकिंग अबाउट जिसको कि हम सदाबहार बोलते हैं सो इसको 1 teaspoon पेरीविंकल फ्लावर इन्फ्यूज इन बॉइल्ड वाटर फॉर 10-15 मिनट्स देन दिस कैन बी टेकन 3 times अ डे इफ एनीबडी हैज डायबिटीज बट अगेन आई एम टेलिंग जस्ट ट्राई फर्स्ट टाइम इफ इट इज कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है जस्ट अवॉइड इट You have to be careful. जरूरी नहीं है हर चीज हर आदमी को सूट करे बट ये शुगर लेवल को डाउन करता है इसलिए बहुत ज्यादा भी हम नहीं ले सकते शुगर पता चलेगा स्लांट हो बिल्कुल ही डाउन हो गया तो इसको कैंसर पेशेंट को इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है इसके ऑयल बनाए जाते हैं और उससे कैंसर पेशेंट की मेडिसिन बन रही है And it helps treating Alzheimer's and slow down problems of Alzheimer, treats high blood pressure and enhance memory. Memory को भी ये enhance करता है. It also treats ringing in the ears. कई बार आप देखोगे कानों में कई लोग बताते हैं कि हमें घंटियां बज रही है. This also treats that. Treats ब्लीडिंग गम्स कई बार दांतों में गम्स में ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है सो दीज फ्लावर्स हेल्प्स इन दैट आल्सो यू कैन जस्ट गार्गल विद दिस आपने चाय बनाई और आप उससे गार्गल कर लो इवन गेंदे के पानी से भी गार्गल करने से दांत की काफी सारी प्रॉब्लम्स से रिलीफ मिल जाती है देन किसी का कई लोगों को हैवी मेंस्ट्रुएशन होते हैं काफी ब्लीडिंग होती है दैट हेल्प्स इन दैट आल्सो And it works as antioxidant and cleans out our blood and other systems. पूरे body को ये cleansing का काम करता है. And brain के function को भी better करने में ये help करता है. This also cures diabetes and it is caffeine free because हम चाय जब पीते हैं, so that is full of caffeine. This is caffeine free. So we can consume and get benefits. Now we can talk about lemongrass. Of course, good for digestion, antioxidant. Mostly these हमारी जो natural चीजें होती है, ये हमारी antioxidant होती है. हमारी body में जब oxygen की कमी होती है या अंदर हमारे poison इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, उसको हमारे release कर देता है. तो एक तो जब हम ये चाय पीते हैं तो हमारी हाइड्रेशन बढ़ जाती है बिकॉज इसके साथ में हमारा पानी जा रहा है तो ऐसे तो हम पानी बहुत ज्यादा नहीं पीते लेकिन चाय के रूप में हम अगर 4 बार पी लेते हैं तो नेचुरली अंदर हाइड्रेशन मिल गई और बाकी जो इसके बेनिफिट्स हैं वो तो हमें मिल ही रहे हैं तो दिस रेगुलेट्स हाई ब्लड प्रेशर एंड बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड बर्न्स फैट हमें पतले होने में भी लेमन ग्रास मदद करती है फॉर गुड स्मूथ स्किन स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है क्योर कोल्ड एंड फ्लू रिलीव्स मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हेल्प्स टू किल जर्म्स अगर कई बार होते हैं कि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उन जर्म्स को मारने में भी वो हेल्प करती है हेल्प्स इट्स इसका जो ऑयल है लेमन ग्रास का ऑयल भी मिलता है तो अगर सर में दर्द हो रहा है तो यू कैन जस्ट अप्लाई अ लिटिल सो दिस हेल्प्स इन हेडेक रिलीज सो मोस्टली एक्चुअली ये चीजें हम अगर कंटिन्यूअस एक चीज नहीं पीते और हम चेंज कर करके अगर ये चीजें यूज करते हैं सो दिस इज अ बिग बिग बेनिफिट फॉर अस
So this is from our garden, and we are using kitchen, and we can be benefited. Our health can be improved. So can I, if anybody has question, they can raise their hand. So Shilta was sir, sabko unmute kara do, please. Yeah, okay, okay. Ravi, unmute everybody. Ask the question. Stop calling Ravi. Nahi bol rahi. Please.